आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, प्रश्न में दिया है निम्नांकित सारणी में एक कंपनी द्वारा उत्पादित कर योग्य और गैर कर योग्य वस्तुओं की संख्या का वर्षवार अनुपात दिया गया है। तो सारणी दी गई है जिसमें एक कंपनी के द्वारा उत्पादित कर योग्य और गैर कर योग्य वस्तु का अनुपात दिया गया है और एक तरफ वर्ष दिया है। फिर आगे दिया है प्रत्येक वर्ष कंपनी में कुल उत्पादन में 10% की वृद्धि हो जाती है। वर्ष 2011 और वर्ष 2012 में उत्पादित कर योग्य उत्पादों तथा वर्ष 2011 और 2012 में उत्पादित गैर कर योग्य उत्पादों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 2011 में देखते हैं, वर्ष 2011 में कर योग्य और गैर कर योग्य उत्पादों का अनुपात है 4:1। तो वर्ष 2011 को लेते हैं सबसे पहले, तो मान लेते हैं कि कर योग्य उत्पाद 4y और गैर कर योग्य उत्पाद को y मान लेते हैं। तो फिर 2012 में देखते हैं तो कुल उत्पाद में 10% का वृद्धि हो जाता है। तो 2011 में हमारा कुल उत्पाद है, कुल उत्पाद 4y जोड़ y तो हमारा हो जाएगा 5y। 2012 में 10% की वृद्धि उत्पाद में हुई है, तो 2012 में कुल उत्पाद हो जाएगा बराबर 5y का 10% इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 110/100 और इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमारा आएगा 11y/2। 2012 में कर योग उत्पाद हो जाएगा, कर योग उत्पाद बराबर हो जाएगा 11y/2 और गुने कर देंगे, कर योग उत्पाद 2 है और टोटल उत्पाद 5 है, इसको हल करेंगे तो यहां से आएगा 11y/5 और गैर कर योग उत्पाद निकाल लेंगे, गैर कर योग उत्पाद 2012 में तो ये हमारा आ जाएगा 11y/2 और गुने 3/5, गैर कर 3 के अनुपात में है, इसको और करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 33y/10। अब प्रश्न में आगे पूछा है 2011 और 2012 में उत्पादित कर योग उत्पाद तथा 2011 और 12 में उत्पादित गैर कर योग का अनुपात बताना है। तो कर योग उत्पाद निकाल लेते हैं, एक तरफ रखते हैं और गैर कर को एक तरफ रखते हैं। कर योग 2011 में है y 4y और 2012 में है 11y/5 और 2011 में गैर कर है y और 2012 में है 33y/10। इसको आगे हल करेंगे ये हमारा आ जाएगा 31y/5 अनुपात 43y/10। इसको आगे हल करेंगे तो ये हमारा आएगा 62:45। ये हमें निकालना था। अब ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है 62:43, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।